लड़ांगे भाई लड़ांगे, लोक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना काल समय पुलिस प्रशासन वालों हक मंगदे लोकां विरुद्ध दर्ज किए गए धड़ाधड़ मुकदमियां नूं रद्द करवाउण दी मंग करदियां आ रही जथेबंदियां वालों अज नवांशहर दे डीसी दफ्तर नूं सवेर तो ही घेरा पाया गया। प्रशासन दे कन्नां तक आवाज़ पहुंचाउण लई आगूआं वालों मुख गेट ते टेंट लगा के मुख मार्ग नूं इक पासे तो मुकम्मल तौर ते बंद कीता गया। नवांशहर प्रशासन वालों पंजाब सरकार नूं पत्र लिखण दे दित्ते भरोसे तो बाद ही जथेबंदियां वालों धरना चुकण दा ऐलान कीता गया है। जिहड़ा ये प्रोटेस्ट है ये असल दे विच जिहड़े कोरोना दौर केस दर्ज किए गए सी भावें उन्हां नूं लैके आ, पर इस प्रोटेस्ट की एक बहुत वड्डी महत्ता है क्योंकि कोरोना के दौर में जो परचे दर्ज किए गए वो लोगों के इकट्ठे होकर अपन समस्याओं बारे विचार करने जथेबंद होकर अपने हकों संघर्ष कर जो राइट है वो उत्ते हमला किया प्रशासन ने। बिल्कुल जोड़े नजायज परचे दर्ज किए गए थे जी गल बड़ी विस्तार असी प्रशासन के नाल भी डिस्कस की और इतने भी वार बार करते रहे हैं। तो उस हक न बचाने वास्ते असल जो प्रोटेस्ट है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक राइट है डेमोक्रेसी के सब तो बड़ा लोगों के अगे उही हथियार हुंदा लोगों के हाथ में यही हथियार है जिद राही वो अपनियां मंगां सरकार तक पहुँचा सकते और अपने मसले आ जिहड़े वो पब्लिक दे विच भी लिया सकते हैं। सो असी यह समझते हैं कि यह जिहड़ी कोई भी सरकार जिहड़ी सत्ता विच आउंदी आ वो भावें जिन्ने मर्जी वादे करे जिन्ने मर्जी वो अपने प्रशासन बारे दावे करी चले पर हकीकत दे विच लोगों नूं अपने अधिकार है जिहड़े वो इकट्ठे होकर लैने पैंदे आ लड़के लैने पैंदे आ। हुण भी जे प्रशासन के वलों ये विश्वास दवाया गया तो ठोस रूप में एक चिट्ठी जिहड़ी है वो उपर पंजाब सरकार नूं भेजण दा फैसला किया गया तो एक लोक दबाव दे नाल किया गया संघर्ष के दबाव नाल किया गया। सो असी यह समझते हैं कि जिन्हें भी लोगों के पेंडिंग मसले है केसां तों इलावा होर भी जिहड़े मसले है बेरोजगारी के मसले है सेहत सेवावां के मसले है एजुकेशन के मसले है जां जिहड़े बुद्धिजीवी गिरफ्तार किए हुए देश विच उन्हां सारयां दी रिहाई दे नाल संबंधित मसले है बोलण की आज़ादी के मसले आ पत्रकारी की आज़ादी के मसले आ यह सारे मसले आ जिहड़े जिहड़े वो हल हो सकदे आ ये राइट साडा तां ही प्रोटेक्ट हो सकदा जे लोग इकट्ठे होणगे लोग जथेबंदियां इन्हां ते आवाज़ उठाउणगियां जिवें अज इस प्रदर्शन राही उठाई गई है। और असीं सारे लोगों को यह अपील करते हैं खास करके शहीद भगत सिंह नगर जिहदे जिले के सारे लोगों कि आप शहीद भगत सिंह होरां की विरासत के अनुसार ये जिहड़ी अपने हक की लड़ाई है घट्टो घट अपने अधिकारां दे वास्ते लड़न की जिहड़ी लड़ाई है इहदी महत्ता जरूर समझिए। असीं 15 अगस्त के उत्ते सिर्फ तिरंगा झंडा लहराउण दे जिहड़े सद्दे है उन्हां दे उत्ते खुश ना होइए असीं अपने अधिकारां वास्ते चेतन होइए संविधानक हक्कां वास्ते चेतन होइए साडे संविधानक हक की ने ते उन्हां दी राखी लई इकट्ठे हो के लड़िए यही अज दा संदेश है। पुलिस दीआं वधीकियां जिहड़ियां लगातार जारी है चाहे वह मुकदमे के रूप च होण चाहे लाठीचार्ज के रूप च होण चाहे होर किसी भ्रिष्टाचार के रूप च होण उन्हां वधीकियां नूं ठल पाउण दे लई आपां नूं की करना चाहीदा। देखो ठल पाउण दे लई लोकां दी सब तों पहलां तां इह चेतना जरूरी है कि उन्हां दे अपने अधिकार की है तो वधीकियां के खिलाफ भी वह ही लड़ सकते हैं जो इकट्ठे होणगे क्योंकि लोगों वख वख तरीकों के नाल जो वंडिया गया उन्होंने बहुत भरम भुलेखे दे विच रखा जा रहा वख वख पार्टियां उन्होंने वादे करके एक बैटर जिहड़ा प्रशासन है उहदी गरंटी दे के सत्ता विच आउंदियां ने ते उन्हां दी बाद कोई सुनवाई नहीं हुंदी ते इहदी जगह दे उत्ते असल च जिहड़े उह पोलिटिकल वेंडेटा राहीं जिहड़े बदलाखोरी है उहदे राहीं परचे दर्ज हुंदे आ बहुत सारे होर परचे दर्ज हुंदे आ। वधीकियां नूं वी असीं इह समझदे आ ठल लोक ताकत ही पा सकदी है प्रशासन के अपने पद्धर से कोई अधिकारियों की रद्दो बदल वो माड़ा मोटा फर्क पै सकता बुनियादी फर्क ता ही पएगा जे लोग इकट्ठे होणगे और इन्हां अधिकारां वास्ते इकट्ठे होकर प्रशासन के उत्ते दबाव पाउणगे और इन्हां केसां नूं वापस कराउण वास्ते लड़नगे। अज जनतक जथेबंदियों वालों डीसी दफ्तर का घराओ किया जा रहा घराओ चल रहा इस घराओ दे विच 15-16 जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां वह शामिल होईयां ये जिहड़ा घराओ आ ये जथेबंदियां ने प्रशासन के लारे लप्पियां तो अक के किया। कोरोना काल दे विच जदों सरकार ने कोरोना का डर दे के बहुत सख्त पाबंदियां ला के लोगों नूं एक किस्म का घर च कैद किया होया सी लोगों के पाबंदियां तो लाइया उन्होंने बाहर निकलते पाबंदियां लातियां उन्होंने कारोबार जोड़े वो बंद किए पर जोड़े फर्ज सके सरकार के प्रशासन के लोगों प्रति वो पूरे नहीं किए।
उस मामले जान बुझ के प्रशासन जिहड़ा अवेसला रहा और जदों लोगों ने अपनियां दुख तकलीफां बारे जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दे नाल संपर्क किया तां जथेबंदियां ने लोगों नूं लै के मुजाहरे करके प्रशासन तक पहुँच की। प्रशासन नूं चाहीदा तां इह सी कि जथेबंदियां जो कहंदियां उहनां दियां जायज़ मंगां सुनिया जाण ते हल किया जाए, पर प्रशासन ने पुलिस ने की किया उल्टा, जथेबंदियां दे आगुआं ते कारकुनां ते जिहड़े पुलिस केस दर्ज कर दिए। बंबे हाई कोर्ट दे डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिता, जजमेंट दिती आ कि जिस व्यक्ति नूं आप नूं करोना है ही नहीं, करोना की बीमारी है ही नहीं, वो करोना किवें फैला सकता। इसलिए जिहड़ा पुलिस आधार बनाती आ परचा दर्ज करन लई कि व्यक्ति करोना फैलाण लगे सी, करोना फैलाण लगा सी, ये आधार ही गलत। जां सरकार नूं पुलिस नूं ये प्रमाण देना पऊगा कि जिस व्यक्ति ते असीं परचा दर्ज किया उहनूं पहलां करोना होया सीगा। सो असीं जथेबंदियां वल्लों बार बार प्रशासन नूं मिलते रहे हां। एक जिहड़ा लिखती मंग पत्तर जिहदे उत्ते FIR दे नंबर मिती पुलिस थाने दा वेरवा दे के DC साहब नूं 20 जून नूं ऐसे 20 जून में एक मंग पत्र दिता गया जिहदे राही मंग की गई आ कि यह परचे रद्द किए जाण। जिथों तक असीं समझते हैं कि एज ए मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर अपने अधिकारां की वरतों करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये अपना जिहड़ा सरकारी वकील आ उन्हां नूं केस वापस लैण लई लिख सकता और केस वापस हो सकते हैं। पर अज दी मीटिंग दे विच जिहड़ी प्रशासन नाल होई आ, प्रशासन ने लिख के चंडीगढ़ नूं भेजा हैगा, सारे केसां दा वेरवा दिता कि केस जिहड़े आ सानूं वापस लैण दी रद्द करन दी मंजूरी दित्ती जावे। और अज असीं मीडिया दे माध्यम राही इह कहना चाहुंदे आ कि जेकर पहला वांगू ढिल मठ दिखाई प्रशासन ने, फिर जथेबंदियां भी इत्थे आ, प्रशासन भी इत्थे आ, जिहड़ा जिथों असीं टेंट लैके आए जिहड़ा लाया आ धरने अगे वह भी बंद नहीं हो जाना, वह भी इत्थे ही होना, लोग भी किते दुबई नूं नहीं चल जाने जथेबंदियां दे, वह भी इत्थे ही होने आ, ते लोकां दे सख्त रोह दा सामना करना पऊगा जे प्रशासन ने उह केस वापस ना लै।